क्या पढ़ना है आपको? नेक्स्ट टॉपिक टोरॉइड। टोरॉइड को आप लोगों ने पहले देख भी चुके हैं, है ना? एक बार और देख लीजिए तो आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए आपको। टोरॉइड, यस। ये देखिए, ये जो संरचना है ये किस संरचना है? टोरॉइड को दिख रहा है सबको? यस, ओके। ये है आपका टोरॉइड, है ना, जो मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया था। ठीक, तो ये आपने टोरॉइड देख लिया। यस, अब हमको यहां संरचना बनाना पड़ेगा इसकी, है ना। तो वीडियो लंबा होता है इसलिए ये आपके पास में इस तरह से बन जाएगा। और इसमें तार भी आपको बनाने हैं, है ना? तो ये इस तरह से बन जाएगा लपेटते। यस, जी, ये देखिए, है ना? ये अंदर से जाएगा और ये धारा हो गई आई ऊपर और इधर से धारा आएगी आई नीचे। ठीक, पेन दूसरी उठा ली लगता है हमने, ये उठाना था तो ज्यादा दिख तो रहा है ना? हाँ, यस। तो ये हो गई आपकी टोरॉइड, जो मैं आपको डायग्राम बना के बताया था। ठीक है, तो ये है आपके पास टोरॉइड की संरचना, जिसमें प्रवाहित धारा है आपके पास में आई। क्या है प्रवाहित धारा? आई है। और फेरों की संख्या जो है वो कितनी है? एन, एन फेरे हैं। कितने फेरे हैं? एन फेरे हैं। ठीक है, डायग्राम देख सकते हैं आप, है ना? इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दो लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना? ये जो दो लाइन है वो ये वाली लाइन है, दिख रही है? ये सोलेनाइड की लाइन है, यस। और बाकी तीन वाले मैंने बनाए, एक उसके अंदर, है ना, ये वाली एक वाला है, मतलब एक व्रत बनाया। फिर देखो, एक मैंने व्रत और बनाया डेडेस करके, ये इस सोलेनाइड के अंदर है। ये वाला जो व्रत है सोलेनाइड के अंदर है, लेकिन रिक्त स्थान में है, जहां कुछ नहीं है। और ये जो मैंने लाइन बनाया हूं, ये क्या है आपकी? ये सोलेनाइड के अंदर है, यानी वो खोखला वाला जो भाग है उसके अंदर का व्रत है। ठीक है, और ये जो है ये बिल्कुल सोलेनाइड की क्या है, सॉरी टोराइड की क्या है? बाहर है, है ना? तो इस तरह से आपके पास में, अब टोराइड किसे कहते हैं? टोराइड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? टोराइड की परिभाषा होगी वह धारावाही परिनालिका, वह धारावाही परिनालिका जो एक वलय के रूप में होती है, क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। क्लियर दैट? टोरॉइड, टोरॉइड नहीं टोरॉइड, है ना? टोरॉइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर ओ को टोरॉइड बोलो या टोरॉइड बोलो, क्या होगा परिभाषा? वह धारा एक प्रकार से क्या क्या है ये बताइए? धारावाही परिनालिका ही है ना, बस। आकार कैसा है इसका? आकार कैसा है इसका? वलय के आकार का है, बस इतना अंतर है। बाकी है क्या? एक धारावाही परिनालिका ही है, क्योंकि इसमें धारा बह रही है ना? उसी उसी धारावाही परिनालिका जो बेलनाकार थी, उसको आपने क्या कर दिया? ऐसा मोड़ दिया है। तो वह धारावाही परिनालिका जो एक वलय के रूप में होती है, क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है ना? थ्योरी में लिखेंगे चित्रानुसार टोरॉइड की संरचना प्रदर्शित है, जिसमें प्रवाहित धारा आई और उसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन है। ठीक है, फिर इस टोरॉइड के केंद्र ओ से, टोरॉइड के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर?
स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, यह बिंदु पी जिस पर क्या करना है हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हमारे पास में तीन स्थितियां प्राप्त होती है। एक, जब बिंदु पी कहाँ हो, जब बिंदु पी टोराइड के अंदर रिक्त स्थान पर, देखो यहां पर है, मैं मान के चलता हूं, तीन स्थिति बनेगी। पहली स्थिति बनेगी कि ये जो अंदर मैंने आपको वृत्त बनाया हूं, ये देखो ये जो दोनों लाइनें हैं ये तो टोराइड की लाइनें हैं। क्लियर दैट? यस आर नो? ये जो दो लाइनें हैं ये किसके लिए, ये किसकी लाइन है, दोनों लाइनें बताइए, टोरॉइड की। ये डार्क बना देता हूं पहले, आप दिख रही है ना, ये जो दो लाइनें हैं किसकी है, ये टोरॉइड की लाइनें हैं। और बाकी मैंने एक व्रत, दो व्रत और तीन व्रत बनाया, तो एक व्रत कहां है, टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर है, खाली जगह पर जहां कुछ नहीं है, है ना, तो वहां पर बिंदु पी है, मान के चलो ये है बिंदु पी आपका इस जगह पर, ये तो यहां पर त्रिज्या मान लेते हैं आर वन है, कितनी त्रिज्या आर वन इस पी के लिए, इस पी के लिए त्रिज्या आर वन मान लेते हैं अंदर वाले व्रत के लिए। और जो व्रत बिल्कुल सोलेनाइट सॉरी टोरॉइड के अंदर है वहां पर बिंदु पी ये है जिस पर क्या करना है हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक बिंदु ले लेते इस टोरॉइड के बाहर वाले भाग में, तो ये यहां ले लेता हूं मैं बिंदु पी, ये ले लिया, और इसकी त्रिज्या ले लेते हैं कौन सी, कितनी ले लेते हैं आर टू, कितनी आर टू ले लेते हैं। क्लियर दैट? इतना डायग्राम सबको समझ में आ गया, नया है ना, नया है ये, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार फिर से, टोरॉइड किसे कहते हैं, वह धारावाही परिनाली का, वह धारावाही परिनाली का जो एक व्रत, जो एक वलय के रूप में होती है टोरॉइड कहलाती है। फिर हमने टोरॉइड की संरचना बना दिया, फिर ये एक और डायग्राम बना दिया उसका, ताकि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकें। हम लिखेंगे चित्रानुसार टोरॉइड की संरचना प्रदर्शित है जिसमें प्रवाहित धारा I और कुल फेरों की संख्या N है। टोरॉइड के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब हमें तीन स्थितियां प्राप्त होती है। पहली स्थिति क्या है बताइए, जब बिंदु P, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब बिंदु P टोरॉइड के अंदर कहाँ हो, रिक्त स्थान, टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर हो, मतलब कौन सी स्थिति है, ये वाली स्थिति, अंदर वाली, दिख रही है सबको, छोटा वाला जो व्रत बना हुआ है। क्लियर दैट? यस आर नो? बोलिए। तो माना कि इस स्थिति में, अच्छा इसी व्रत को हम लूप भी बोलेंगे, क्या बोलते हैं, लूप, लूप बोलो, वक्र बोलो, बंद वक्र बोलो, बंद लूप बोलो, या व्रत भी बोल सकते हैं, है ना।
माना कि इस स्थिति में लूप की त्रिज्या कितनी है? आर वन है आर वन? यस यस आर नो? हाँ, तब तब लूप की लंबाई क्या होगी? तब लूप की लंबाई एल वन दे देता हूँ। पहली कंडीशन है तो लूप की लंबाई एल वन। बताइए ये पूरी लूप की लंबाई कितनी होगी? बताइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा लूप है, उसकी लंबाई कितनी होगी बोलो? उस पूरी लूप की लंबाई कितनी होगी? अरे बिंदु पी से स्टार्ट करना है, वहीं आना है, तो कितनी लंबाई बनेगी? परिधि के बराबर नहीं बनेगी क्या? हाँ यस सर, तो बिल्कुल चुकता नहीं है ना? परिधि हो जाएगी 2 पाई आर वन। ओके, लूप के अंदर धारा, हाँ लूप के अंदर धारा, लूप के अंदर धारा है क्या? बताइए, इस लूप के अंदर कोई धारा है क्या? इसके अंदर नहीं है, आई इज इक्वल टू जीरो है। क्यों? क्योंकि भाई धारा तो ये केवल इतने भाग में बह रही है ना, ये देख सकते हैं, ये जी जितने ये फेरे लगे हुए हैं, और आपके पास जो वृत्त बना है ये वाला, वो तो यहाँ बना है, इस जगह पर बना हुआ है, इसके अंदर कोई धारा है क्या बोलो? नहीं है, तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। क्लियर दैट? यस ओके। अब एम्पियर के परिपथी नियम से, अब एम्पियर के, कल पढ़े आप लोगों ने, परिपथीय नियम से। यस, एम्पियर के परिपथीय नियम से आपने कल क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था लीनियर इंटीग्रेशन बी डी एल, वेक्टर बी वेक्टर डी एल, फिर बी डी एल को आप कॉस थीटा में बदलते थे, ऐसा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? याद आ रहा है? ऐसा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। क्लियर दैट? ये था। फिर आप क्या करते थे यहां पर? बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन हो जाता था, और बी को क्या कर देते थे? बाहर निकाल देते थे। ऐसा बी बाहर निकलता था और यहां ऐसा रह जाता था, और इसकी वैल्यू क्या आती थी बताइए? कितनी आती थी? 2 पाई आर। याद आ रहा है? हाँ, इसकी वैल्यू क्या आती थी? वृत्त की परिधि या कुंडली की परिधि लिखते थे कि नहीं कल? 2 पाई आर। हाँ, तो वही यहां पर कर रहा हूं, तो मैं इतनी सारी चीजें नहीं कर रहा हूं, आपको दिखा दिया मैंने करके। मैं सीधे लिख रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के स्थान पर बी वन, और ये जो डी एल है ये है लूप की लंबाई, इसको लिख देता हूं एल वन। बी वन एल वन इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। एक्चुअल में ये चीज यही है, ये जो आया है बी की जगह ये बी वन आया है, और ये 2 पाई आर जो है ये लूप की लंबाई है ना, ये एल वन लिख दिया मैंने। क्लियर दैट? यस, अरे हाँ या ना, ये पढ़े हो कि नहीं कल? हाँ, ये पढ़े, डॉट हटाए कॉस लगाते थे है ना, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन हो जाता था, फिर बी को हम बाहर निकाल लेते थे, डीएल लिखते थे, और ये लीनियर इंटीग्रेशन डीएल का मान होता था वृत्त की परिधि यानी कि कुंडली की परिधि, और परिधि का सूत्र होता था 2 पाई आर। हमने उस कुंडली की परिधि को आज क्या नाम दिया है? लूप की लंबाई नाम दिया है, एल वन। तो उसके जगह पर हमने बी इंटू एल वन लिखा, बी वन एल वन इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। क्लियर दैट? यस। और अगर ऐसा हो गया और आपको मालूम है आई की वैल्यू कितनी है, कितनी आई की वैल्यू? बी वन एल वन इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, सॉरी आई की वैल्यू जीरो, तो टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमको बी वन की वैल्यू निकालना है ना, बी वन की वैल्यू। एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं, ये एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग ही है जिसका उपयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। क्लियर दैट? अब यहां जीरो हो जाएगा पूरा इस ओर,
और यहां बी वन एल वन इज इक्वल टू जीरो, तो बी वन इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, कितना जाएगा बी वन इज इक्वल टू, कितना जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास में किसके अंदर, किसके अंदर, ये मैं इसको मिटा दूं, टोरॉइड के अंदर जब बिंदु पी टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर हो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, जीरो। अब बिंदु पी को हम कहां लेंगे, अब बिंदु पी को हम लेते हैं कहां, चुंबकीय क्षेत्र के कहां लेते हैं, सॉरी टोरॉइड के अंदर स्थित ये मान के चलते हैं। तो अभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस। सेकेंड कंडीशन क्या होगी बताइए, जब बिंदु पी टोरॉइड के
सॉरी, जब बिंदु पी टोरॉइड के अंदर स्थित हो, मतलब ये वाली स्थिति की बात कर रहे हैं हम। टोरॉइड ये है, यस ये टोरॉइड है, इस टोरॉइड के अंदर बिंदु पी स्थित है। क्लियर है सभी को? ओके, यस आर नो? तो इस स्थिति में क्या करते हैं, माना कि इस स्थिति में लूप की त्रिज्या आर, ये देखिए आर है, है माना कि इस स्थिति में लूप की त्रिज्या स्मॉल आर, दिख रही सबको स्मॉल आर, दिख रहा है कि नहीं? अरे बोलो। माना कि इस स्थिति में लूप की त्रिज्या, हाँ लूप की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी मान लेते हैं, तथा बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, तब तब लूप की लंबाई कितनी होगी बताइए? लूप की लंबाई L इज इक्वल टू कितनी होगी? परिधि के बराबर, यस, यानी कि 2 पाई R। क्लियर दैट? ओके, यदि टोरॉइड में फेरों की संख्या N हो, वैसे हमने पहले ही बता दी है, फिर भी यदि टोरॉइड में, ये देखिए फेरों की संख्या, कैपिटल एन हो, तब टोरॉइड से संबद्ध कुल धारा, मतलब जुड़ी हुई कुल धारा है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई। आई तो है ये धारा, लेकिन मुझे बताइए अगर यहां पर ये इस तरह से पूरा एक वक्र बन रहा है, तो इस वक्र के अंदर पूरी यहां इस फेरे में भी धारा आई बह रही है, इसमें भी आई बह रही है, इसमें भी आई, जितने फेरे हैं उन सभी फेरों में धारा कितनी बह रही है? बोलो, आई बह रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? एन आई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस, है ना, इस फेरे में वही धारा आई बह रही है, इसमें भी आई बह रही है, इसमें भी आई बह रही है, और ये जो आपके पास में वलय बना है, लूप बना है, वृत्त बना हुआ है, ये यहां से होकर जा रहा है ऐसा। तो मुझे बताइए हर फेरे की धारा उसमें आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, यस, एक समय में हर फेरे में धारा बह रही है, इसलिए टोरॉइड से संबद्ध मतलब जुड़ी हुई कुल धारा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन आई हो जाएगा। और जब ऐसा हो गया तो अब लगाएंगे हम एम्पियर का परिपथ नियम, ठीक है? तो नाउ अब एम्पियर का परिपथीय, एम्पियर के परिपथ नियम से, परिपथीय नियम से
हाँ, एम्पियर का परिपथ नियम जो हमने इसके पहले लगाया था कैसा था बताइए, वही B1L1 लिखा था, क्योंकि स्थिति नंबर एक थी, हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B बोला है तो ये B हो जाएगा, और लंबाई आपने क्या लिखा है लूप की L लिखा है, इसलिए L हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू जीरो। आई के स्थान पे क्या आएगा बोलिए, आई के स्थान पे क्या आएगा, एन आई आएगा है ना, कुल धारा म्यू जीरो आई होता है लेकिन अभी एन आई आएगा, क्योंकि हमने टोरॉइड से संबद्ध कुल धारा कितनी बोली है, एन आई बोली है। क्लियर दैट, यस आर नो? यस। और जब ऐसा हो गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बी इंटू एल की वैल्यू कितनी बताइए, एल की वैल्यू 2πr, ओके 2πr इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। हमको किसकी वैल्यू निकालना है बताओ, किसकी वैल्यू निकालना है, बी की, किसकी निकालना है बी, तो क्या होगा बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2πr। क्लियर दैट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, अभी अभी निकला नहीं है ना, ये तो कुल फेरों की संख्या n है, अभी निकला नहीं है। अब यहाँ एक कंडीशन मान के चलते हैं, कंडीशन ये होती है कि इस टोराइड के है ना, यदि टोराइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, यदि अब जबकि लगा रहे हैं, यदि यदि टोराइड के टोराइड की एकांक लंबाई में फेरों, एक मिनट, यदि टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इज इक्वल टू एन है ना, यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई, मतलब ये तो पूरे के पूरे एन फेरे हैं ना, पूरे की पूरी लंबाई में फेरों की संख्या है कैपिटल एन, हम ये मान के चलते हैं कि टोरॉइड के एकांक लंबाई ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू वन, बिल्कुल छोटी सी, यहां से मान चलो ये यहां तक के, ये एल इज इक्वल टू कितना है, वन है, इस तरह से एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी लेते हैं, एन ले लेते हैं है ना ये, तो यदि टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन, इसलिए एल लंबाई में फेरों की संख्या, एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी बताइए, एल लंबाई में फेरों की संख्या, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या तो है ना, आपने क्या माने हो बताओ, कितनी माने हो बताओ, एन माने हो कि नहीं, और ये एन कितने किसके बराबर होगी, एन एल के बराबर होगी, जबकि लगाना सीखे हो कि नहीं, पढ़ाया हो मैंने, जबकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन, इसलिए एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी बोलो, एन एल, हाँ या ना, ठीक, ये हो जाएगा आपके, यदि टोराइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन, इसलिए एल लंबाई में फेरों की संख्या एन एल, और एल लंबाई में फेरों की संख्या मतलब देखो पूरी की पूरी लूप की लंबाई कितनी है, एल है, तो इस एल लंबाई में, ये पूरी एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी माने हो आपने, पहले ही कितनी मान लियो, एन मान लियो, तो एन इज इक्वल कितना आएगा, एन एल आएगा, यस, अरे याद नहीं है, दूसरी और तीसरी का गुणा और पहली का भाग, बताया मैंने बताया हूँ, हाँ दूसरी तीसरी का गुणा और पहली तो एकांक है, तो एक का भाग दोगे तो उतनी आएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, एन एल आ गया, क्लियर दैट, यस। समीकरण नंबर एक में मान रख दो, समीकरण एक से मान रखिए b इज इक्वल टू म्यू जीरो, हाँ कैपिटल n के स्थान पर कितना आ गया बताइए, एन एल है ना, i अपॉन 2πr, सही है ये, यस आर नो? और बताइए कैपिटल L की वैल्यू कितनी है, 2πr, तो B इज इक्वल टू
म्यू जीरो एन, और ये एल की वैल्यू है 2πr इंटू आई और अपॉन में 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, तो क्या हो गया बताइए, b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, क्लियर दैट, म्यू जीरो एन आई। लेकिन याद रखना ये जो है n जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, स्मॉल n, म्यू जीरो एन आई फार्मूला आ गया आपके पास। तो कोई समस्या है कि इसमें बोलो, जब बिंदु P टोराइड के अंदर स्थित हो, लूप की त्रिज्या R, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, तो लूप की लंबाई 2πr, फेरों की संख्या n है, इसलिए टोराइड से संबद्ध जो धारा होगी वो ni हो जाएगी। एम्पियर का परिपथी नियम लगा दिया, BL इंटू म्यू जीरो एन आई, बी एल की वैल्यू 2πr, B की वैल्यू निकाल लिया, और यहाँ जबकि वर लगाया कि यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो कैपिटल L लंबाई में फेरों की संख्या होगी, है ना, एन एल ये, और कैपिटल N का मान यहाँ रख दिया एन एल, और एल का मान रख दिया 2πr, 2πr से क्या हो जाएगा, 2πr कट जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपके पास में आ गया, अभी खत्म नहीं हुआ, तीसरी कंडीशन बची है। जब बिंदु P टोरेट के बाहर होगा तो हमने लूप की त्रिज्या कितनी माने बताइए, कितनी माने लूप की त्रिज्या, यस लूप की त्रिज्या आपने माने R2, लूप की त्रिज्या R इज इक्वल टू R2 मान लियो, ठीक है। हाँ, लूप की लंबाई कितनी मान लो, लूप की लंबाई कितनी L2 मान लेते हैं, L2। अच्छा, लूप में धारा कितनी होगी बताइए, लूप के अंदर धारा या लूप में धारा, जो भी आपको लिखना है, ये देखो I इज इक्वल टू जीरो होगी। अब ये जीरो कैसी होती है थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास में अगर आप एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हो तो लगाई देता हूं मैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम से, नियम से क्या होता है, बी टू एल टू लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू जीरो आई लिखेंगे, और आई की वैल्यू जीरो हो गई है, जब आई की वैल्यू जीरो हो गई तो बी टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा। लेकिन आई जीरो हुआ कैसे, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, दो मिनट, आखिर जीरो कैसे हो, जबकि ये तो लूप जो है ये बाहर है, तो इस लूप के अंदर तो पूरी की पूरी धारा आ गई ना, ये टोराइड तो उसी के अंदर है तो पूरी धारा तो उसी के अंदर आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इस लूप में, ये लूप के अंदर तो ठीक है टोराइड है, लेकिन यहां पर जब धारा बहती है, मान के चलिए यहां इस तरह से, ये तो बताइए, एक धारा अंदर जाती है तो दूसरी धारा क्या होती, नीचे बाहर आएगी कि नहीं आएगी, ठीक, यस, बात समझ में आ रही है। जबकि ये वाली कंडीशन में अगर ये अंदर वाला पूरा भाग पकड़ाता तो केवल धारा नीचे जाती, या तो नीचे जाती या ऊपर जाती, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आखिरी वाले लूप में एक धारा कागज तल के ऊपर जाएगी तो एक धारा कागज तल के लंबवत नीचे आएगी, ये धारा ऊपर जा रही है और वही धारा कहाँ आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इस तरह से धारा का मान क्या हो जाता है, उस लूप से जुड़ी धारा का मान क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ में आ रही बात, यस। ये देखिए लूप की लंबाई इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये चल रहा है ना, और ये आपके पास में लूप इस तरह से है, ये वाला, ये बाहर वाला है ना, तो आप बताइए एक धारा ऐसी जाएगी तो यही धारा क्या होगी, नीचे आएगी, फिर ये जाएगी, ये नीचे आएगी, क्लियर। तो ये ऊपर जाने वाली और नीचे आने वाली, अगर कागज तल के लंबवत बात करें और इस तरह से बना हुआ है, तो एक धारा ऊपर जाती है एक धारा नीचे जाती है, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। और इस तरह से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी,
जीरो हो जाएगी। क्लियर दैट? बस ये हो गया आपका टोरॉइड और उसकी तीन स्थिति कंप्लीट।